हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नट्स वर्ल्ड। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज मैंने वेयर किया है न्यू सूट। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा मेरा आउटफिट। तो अभी नया आज ही न्यू सूट पहना है मैंने और मेरी मेहंदी दोनों हाथों की, ये देखिए दोनों हाथों की मेहंदी मेरी कलर हो गई है। इस पर लिखा है मैंने हस्बैंड का नाम, सॉरी अभी दिख नहीं रहा आपको। और ये देखिए और कमरे में हो गई है न्यू बेडशीट मेरे रूम की, कलर की मैचिंग, रूम थीम की मैचिंग। तो ये देखिए एंड अभी जा रहे हैं हम जस्ट जो इतने दिन से तैयारी चल रही थी मेरे घर की, तो आज है घर पे सत्यनारायण की पूजा। यस, और इसीलिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ बस पूजा का सामान लेने। तो चलिए चलते हैं अभी पूजा का सामान, और एक सरप्राइज़ अभी आपके लिए और है जो अभी अभी मैं आपको देने वाली हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, पूजा ब्लॉग होने वाला है। तो देखते रहिएगा क्या क्या करती हूँ आज मैं पूरा दिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की आपके साथ। मुझे नहीं लगाना वाइल्ड स्टोन का पाउडर, और ये सबसे बड़ी बिंदी, और बिंदी बिंदी उच्च स्तरीय बिंदी। फिर हमें लेना था पूजा के लिए बहुत सारे फूल, तो यही बगल में ही हमें फूल की शॉप मिल गई। तब तक नैशा हम लोग का बना रही है वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना सारे पलों को, एक ही दिन की छुट्टी के लिए आए थे तो उसको कैप्चर कर लिया जाए। और यहाँ मैंने दिखा रही हूँ अपना न्यू सूट। तो इसको मैंने जो मेरी बेली है उसके साथ टीम अप किया, तो बिल्कुल मैचिंग लग रही है। बहुत दूर लग रही है फूल लेने में, थक गए। मेरे लिए? Yes. ये कब ले लिया? Wow, thank you. Happy पूजा डे। White flower शांति का प्रतीक है। अच्छा। आप हमको ना मारे इसके लिए जो मैंने सो हस्बैंड से फ्लावर मिलने के बाद मैं तो बहुत हैप्पी हो गई हूँ। एंड उसके बाद हम आ गए स्वीट्स लेने, तो घर पे स्वीट्स भी लेनी है, तो यहाँ मैंने ले लिए हैं।
लड्डू मिठाई और बच्चों के लिए यहाँ से मैंने पैक करा लिए इमरती एंड समोसे, क्योंकि वो लोग भी सुबह से फास्ट है हमारे साथ साथ, तो उनके लिए मैंने ले लिया इमरती एंड समोसे। और उसके बाद क्योंकि हम लोग का फास्ट है तो हमने पी है नारियल पानी, क्योंकि पूजा तक हमें फास्ट ही रहना है। नारियल पानी इसमें मैंने बुध का मिस किया, सुबह सुबह मैंने स्विम हो जाऊंगा। यम्मी नेशा वन बाइट प्लीज बेटा, बहुत टेस्टी है। तो हे गाइस, घर आ गई हूँ मैं, और घर आके मैंने बना लिया है गुलगुले का बैटर। इसमें कुछ नहीं, मैंने आटा और सूजी एंड ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर, चीनी मिला के रख दिया है इसको, तो इससे बने गुलगुले। यहाँ मंगोड़ों की तैयारी के लिए दाल पीस के इसमें धनिया मिक्स करके रख दिया है। अभी इसमें जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर ये जाएगा। एंड अभी कर रही हूँ मैं छोले बनाने की तैयारी। छोले हो गए हैं यहाँ रेडी, तो चलिए छोले बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने छोले बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में कर लिया है ऑयल को गरम। छोले की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है। एंड उसके बाद मैं जो अपने छोले को फ्राई करती हूँ थोड़े से अजवाइन से। आप कभी भी अपने छोले अजवाइन से फ्राई करके देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो और यहाँ मैं एक साथ ही सारे मसाले डाल दूंगी, और इसमें हल्दी मिर्ची नमक और छोले मसाला, एंड उसके बाद छोला डाल दूंगी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोले का। तो यहाँ मसाले डाल के मैं उनको भून लूंगी, और जब तक ये भूनते हैं साथ के साथ मैं अपनी पंजीरी भी बना लेती हूँ। पंजीरी के लिए यहाँ मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी और उसके बाद पनीर की, बहुत इजी होता है पंजीरी बनाना। घी डालने के बाद मैंने इस पे ले लिया है आटा, तो गेहूं का आटा लिया है। एंड ये सबसे मेहनत वाला काम होता है पंजीरी बनाना, लगता बहुत इजी है लेकिन बहुत कठिन होता है। तो इसको ऐसे ही बहुत धीमी धीमी आंच में फ्राई करते रहेंगे। के लिए और मैंने पहनी है साड़ी, तो देखिए ये रहा मेरा पूजा वाला लुक। यहाँ हमारी तैयार हो गई है पंजीरी, और यहाँ तय रेडी हो गया चरणामृत, ये रेडी हो गए हमारे गुलगुले। तो ये रहा मेरा पूजा लुक, और मैंने अपने हेयर को टक कर लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, और पूजा में आप फैन भी नहीं चला सकते हो, तो बालों को मैंने कवर कर लिया है। एंड साड़ी कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना मुझे, और मेरा पूजा वाला लुक आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद पंडित जी को आने में काफ़ी लेट हो गया था, तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, तो हमने सोचा उनकी मदद हम करा देते हैं और काम को थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं बिकॉज काफ़ी लेट हो गया है। आनंद भगवान की जय, बोलिए गजानन महाराज की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, अयोगपति श्री भगवंत के सुकरिये कृपा अनंत, सुकरिये कृपा अनंत। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान। देवत्स्वरूपम् यावत् पूजनम् निर्विघ्नता पूर्ण प्रज्वलित ताम भोदीपाय अक्षतानि पुष्पाणि चंदनम सहितम समर्पयामि नमः। वसु सिद्धि पक्की, नीचे रख दो। अब हाथ में चावल लो। हरि ओम। वेद का जलम स्नान कुरुष में बस। अब आप पुष्प में लो तो रोलियो चंदन लगाओ, और तुम सिंदूर लो तो गौरी जी ने एक पुष्प में लगा कर चढ़ा दो दोनों में। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्ना जी, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जया जी, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुरा जी, कंठे झलके माल मुक्ता भरा जी, जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय पंचामृत उठाओ। पंचामृत है ना, तुलसी सही तो सब। हाँ हाँ हाँ।
पंचमी से स्नान कराओ। कटोरी तो भर गई, बड़ी देती है तो बड़ी और बड़ी लाओ, बड़ी लाती एंड फाइनली पूजा स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारे लोग तो मैंने नहीं इनवाइट कर पाई हूँ बिकॉज छुट्टी अभी मॉर्निंग में ही हस्बैंड आए हैं, तो मैंने सिर्फ मम्मी पापा और जो मेरी सिस्टर्स मामा की बेटियाँ जो रुकी हुई थी वही थे। तो ये सत्यनारायण की कथा सुनने का बस एक ही कारण था क्योंकि घर में हो चुका था वाइट वॉश, तो सब कुछ काफ़ी क्लीन क्लीन था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पॉजिटिव एनर्जी को लाया जाए और उससे सत्यनारायण की पूजा से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ी सी पूजा पाठ से आपको पॉजिटिविटी एंड थोड़ा सा घर का माहौल सकारात्मक हो जाता है, निगेटिविटी घर से दूर चली जाती है, तो उसको करने के लिए मैंने ये पूजा कराई है। और इसी पूजा के लिए हस्बैंड सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, तो सिर्फ पूजा करने के लिए, और अभी नेक्स्ट डे चले भी जाएंगे। घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करना बहुत फायदेमंद है। भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना या सुनना मन में शांति लाता है और श्रद्धा का भाव जगाता है। इस कथा के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सबसे पहले केले के पत्तों का मंडप बनाए, अब चौकी लेकर उसमें लाल कपड़ा बिछा दें। यदि लाल कपड़ा ना मिले तो केले के पत्तों का ही उपयोग कर सकते हैं। उस पत्ते पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर, भगवान गणेश की प्रतिमा और कलश रखें। कलश रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कलश की पूजा करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर कथा की शुरुआत करें। भगवान को भोग लगाने के लिए पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी अवश्य रखें। इस दिन पंचामृत के रूप में दही में मेवे मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसी से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। इस पूजन में केले का फल अवश्य रूप से शामिल करें। अरे वो हो गई। ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा, बाणी हिरंग अभ्याम नमः स्वाहा, सची पंद्रह अभ्याम नमः स्वाहा, गुरु चरण कमले भूर्मा स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, सर्वे भूते भूर्मो नमः स्वाहा, स्थान देवता नमो नमः स्वाहा, सर्वाधा विमुक्तो धन धान सुतान विता मनुष्यो भवत सचिनार स्वाहा। अब आप खड़े हो, इस गोला को बीच में रखो, फिर ऊपर से घी डालोगे तो पूर्ण। अचल रहे अहिवाद कहते हैं सुहाग को। माँ सीता को अनसुईया जी ने दिया था यह आशीर्वाद, अचल रहे अहिवाद तुम्हारा और जब लो गंग जमुन जल धारा, तब तक तुम्हार। अब चलते चलते मेरी दृष्टि तेरे सिंदूर पर पहुंच गई। जब तक तेरे ये मस्तक का बिंदूर, ये सिंदूर बिंदु सिंदूर बिंदु तुम्हारे मस्तक का ये चमकता रहे, तब तक गुरु के चरणों में और पति के चरणों में ये मस्तक तुम्हारा झुकता रहे। सौभाग्य अखंड सौभाग्यवती कल्याण मस्त। और पूजा होते ही मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और हस्बैंड के साथ बाइक पे निकल गई और कॉफ़ी पीने, क्योंकि मैं उनके साथ कॉफ़ी पीने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। घर पे किसी को भी नहीं पता था कि मैं इनके साथ बाइक से आ गई हूँ एंड हमने कॉफ़ी इंजॉय की, फिर घर पे जाके डिनर किया, सबको डिनर कराया। और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। इसके आगे मैं ब्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज खाने पीने में लग गया, तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी तक आपको जो मेरा पूजा वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना ना भूलें।